आज तो मजा आ गया सितारा, है ना सितारा? वैसे तू अगर मेरे साथ रोज आकर मुझे कितना मजा आया ना कसम। देख रही है तू इन लड़कों को कैसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं? आज तू निकली है ना बड़े दिनों के बाद, तो जमा हो गए सारे के सारे। तो फिर तुझे तो जैसे नहीं देखते। पता है क्या, तेरा तो कुछ नहीं है मगर अगर किसी ने बता दिया ना कि हमको इस तरह से लड़के देख रहे हैं तो अब्बा जो है ना वो मेरी टुकाई कर देगा। बख्शु बाबा कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया मोहब्बत नगर में। बस ये गांव तो ऐसे ही होते हैं ना जी। बख्शु बाबा आइए मेरे साथ आइए जरा। बख्शु बाबा ये दोनों कौन है? ये जी मिस्त्री गुलाम मोहम्मद की बेटियां जी। अच्छा और नाम क्या है इनके? किसका? इन दोनों का। आ जाए आ जाए। इसे मुझे एक बात तो बता, अगर मेरी प्यारी सी बहन को कोई रजवज गया तो? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? ये कौन है? ये वो सरदार सिकंदर का छोटा बेटा है, सरदार आजाद। पर ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन हो आप दोनों और यहाँ हमारे खेतों में क्या कर रहे हो? वो जी वो ये ज़मीन हमने ली है जी, वो मस्ताजरी पे ली है जी। क्या मस्ताजरी? मस्ताजरी उधार को कहते हैं आज़ाद बाबू। ओह आई सी। और ये कौन है? ये जी वो ये मेरी 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 बहन है सितारा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये वही सितारे हैं जिनके मैंने हुसन के काफ़ी चर्चे सुन रखे हैं। किससे? चांद से। वो अक्सर मुझसे यही कहता था कि तुम्हारे गांव में एक सितारा है जिसके आगे मेरा हुसन मांद है। I'm sorry, आप लोग प्लीज़ कैरी ऑन। मेरा मतलब है जो कुछ भी कर रहे थे प्लीज़ कीजिए आप। चलें बख्शु बाबा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। यार क्या बंदा है, कितनी आज़ादी से सब कुछ कह गया। आज़ाद जो है बस कर जा, आज़ाद जो है चल यहाँ से। अगर आ गया ना दोबारा और किसी को पता चल गया तो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी इस आज़ाद के चक्कर में। चल रुक। तो दिन चढ़ आया है लेकिन ये महारानी सोती की सोती रहेगी। उसे तारा उठ चल, झाड़ू दे, बर्तन धो। अम्मा भी चली गई है सुबह सुबह, वो खाला रजिया है ना उसके कपड़े देने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ पट्ठे लाने। तू उठ। कितना बोलती है तू, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। चल तू क्यों चलेगी मेरे नाल? हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ ना। चल तू क्यों जाना चाहती है, तू घर का काम कर। तू क्यों जाना चाहती है बता। ओ तू कौन होता है पूछने वाला? ओए पागल, तेरी बेहतरी के लिए पूछ रहा हूँ। और वो क्या? ओ यही कि बाहर ना निकला कर तू। ओए फातिमा भी जवान है, उसकी फिक्र कर, मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं तुझे। सितारा वो ठीक ही तो कह रहा है, मेरी तो एक बात समझ नहीं आती, घर से निकलते वक्त सारी पाबंदियां मेरे ऊपर ही क्यों आती हैं? ये भी तो घर से बाहर जाती है, इसको तो कोई कुछ नहीं कहता। ए पागल, तुझे पाबंदियां इसलिए हैं कि खून खराबा ना हो ये। ओ
जाहिल तमीज से बात किया कर। ए, तू तमीज से बात कर, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुझे। दफा हो। बात करता हूँ मैं शाम को चाचे से। ओ बस करो, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। हद हो गई है, तू भी चुप रहे, तू चल मेरे नाल। तू उसको चुप करा। ओ तू चल यहाँ से। अच्छा बस कर जा कुछ। आ जाता है मुंह उठा कर। अरे बस कर, तू चल पट्टे लेने चल मेरे साथ, मेरी मदद कर आज। तू चल दफा हो, दफा हो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल निकल ना। ओ जा बता जिस मर्जी को, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। बड़ा आया रोज रोज मुंह उठा के आ जाता है। आ गई है, पूछो। सितारा, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? अकरम से बदतमीजी की है तूने? क्या कहा तूने अपने भाई को? ओए, इसने हमारे फायदे की बात की थी और तू कहती है मैं किसी से डरती नहीं। अब्बा ये तो हर वक्त झूठ बोलता रहता है, इल्जाम ही लगाता रहता है मुझ पर। देख पुत्र, मैंने तुझे मना किया हुआ घर से बाहर नहीं निकलना, फिर तू क्यों गई थी? अब्बा वो तो मैं फातिमा के साथ, इसे मैंने भेजा था। अब्बा वो मैं लेके गई थी सितारा को, देखना सारा काम मैं करती हूँ, कोई नहीं करता मेरी मदद। पट्टे इतने भारी होते हैं और वो बासु पता नहीं खेलकूद में कहाँ गायब हो जाता है, बहुत देर तक मुझे इंतजार करना पड़ता है उसका। अच्छा आने दे बासु को, उसके कान खींचूंगा मैं। स्कूल से छुट्टियां और तेरे साथ पट्टे लेने नहीं जाता? खेलने गया हुआ, अभी तक नहीं आया, देखो सही। बस फाती, अब तूने कभी सितारा को साथ लेकर नहीं जाना। अच्छा अब्बा, अब नहीं लेके जाऊंगी कभी। अच्छा जाओ, तुम अंदर कमरे में जाओ। अब्बा चल ना, चल वो चल ना। मुझे पता तो सही, इसके जाने में क्या हर्ज है? अकरम पुत्र, चाची को बता हर्ज क्या होता है। अच्छा जी, तेरी बेटी पर अगर सरदार सिकंदर के बेटे शहजाद की नजर पड़ गई ना, तेरी बेटी नजर नहीं आनी फिर। क्या मतलब? और पता है भाई करीम गांव क्यों छोड़ के चला गया था? उसकी लड़की किसी के साथ निकल गई थी। और निकल नहीं गई थी रिशिदा, उठा ली गई थी। हाय अल्लाह, ये सब करते हैं ये लोग। फातिमा, सितारा कहाँ है? क्यों, आपको क्या काम है उससे? मुझे मिलना है सितारा से। देखिए छोटे सरदार, आप मेरी बहन की ज़िंदगी से जो खेल खेलना चाहते हैं ना, वो मैं हरगिज़ नहीं खेलने दूंगी। नहीं फातिमा, नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं सितारा के साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहता। मैं गलत नहीं सोचती, मैं जो देखती हूँ वो ही बोलती हूँ। फातिमा, मैं मोहब्बत करता हूँ सितारा से। अच्छा तो अब ये आप जागीरदारों का एक नया नाटक है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत पढ़ लिख के आए ना आप जागीरदार, इसीलिए तो, इसीलिए एक भाई उठा के लूटता है और दूसरा भाई मोहब्बत के जाल में फंसा के।